योर ऑनर, इस मुकदमे का आधार ये है कि रुपेश जी की पत्नी रेणुका जी की हत्या हुई रुपेश जी के मडाइलैंड वाले बंगले और इसका आरोप रुपेश जी पर लगाया। कमलेश जी जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उन्होंने कुनी को बंगले में जाते हुए देखा दोपहर के करीब 3:30 बजे। और दूसरे संतोष, ये बंगलों के ठीक बाहर बस स्टॉप पर थे, ये देख नहीं सकते योर ऑनर, पर गोली की आवाज सुनते ही ये बंगले में चले और कुनी इनसे टकराया। संतोष जी ने उसके सूट का मटेरियल पहचाना। जी हाँ, यही कपड़ा था। तुमने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने खास तरह की परफ्यूम लगाई हुई थी, क्या परफ्यूम थी? एंजल परफ्यूम का एक्वा फ्रेश वर्जन था वो। और ये भी बताया कि उसने बड़े फ्रेम के चश्मे पहने थे। फिर इन्हें वहाँ रेणुका की लाश में शोर मचा कर इन्होंने लोगों को आगाह किया। पुलिस को लाश के पास से एक बंदूक बरामद जो रुपेश जी के नाम रजिस्टर्ड है। पिछली सुनवाई में ये बात भी सामने आई है कि घटनास्थल पर हत्यारे ने जो चश्मा पहना था, जिसका वर्णन दो गवाहों ने किया, वो चश्मा योर ऑनर मेरे मुवक्किल रुपेश जी के चश्मे से विपरीत बिल्कुल अलग है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि अगर ये हत्या रुपेश जी ने नहीं की तो हत्यारा कौन है? हत्यारा वही है योर ऑनर जिसको रेणुका जी की मृत्यु से और रुपेश जी के दंड पाने से सबसे अधिक लाभ था। इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं संतोष जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। संतोष जी, उस दिन आप बंगले के बाहर बस स्टॉप पर खड़े थे। आपने अपने कथन में कहा कि आपने वहां खड़े खड़े गोली चलने की आवाज सुनी। केवल गोली चलने की आवाज सुनी थी या कोई और स्वर भी पहुंचा था आपके कानों तक? कुछ और सुना था? जी सुनी थी ना, एक औरत की आवाज सुनी थी। औरत की आवाज सुनी थी आपने? क्या कह रही थी औरत की आवाज? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती? जी। अच्छा संतोष जी, मैं अपने दूरभाष यंत्र पे एक चलचित्र चलाता हूँ, आप देखिए अगर इसमें से कोई आवाज पहचान में आती है। एक मिनट, रुके। रोका? इस आवाज को दोबारा सुनाइए। रिवाइंड करूं फिर से? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, ये उसी औरत की आवाज है। योर ऑनर, जिस स्वर को संतोष जी ने पहचाना है वो रेणुका जी का स्वर है। मगर रेणुका जी उस दिन हादसे के समय ये कह रही थी कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसका अर्थ ये निकलता है कि वो किसी महिला से बात कर रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी साहब, आपके कहने का मतलब है कि खूनी एक आदमी नहीं बल्कि? योर ऑनर, कुरेशी साहब बिल्कुल ठीक समझे, ये हत्या पुरुष ने नहीं किसी महिला ने की है। तो लेडीज परफ्यूम की सुगंध आ रही है। ऑब्जेक्शन वंस अगेन योर ऑनर। संतोष ने कल अपने बयान में ये बात की है कि वो जिससे टकराए थे योर ऑनर, वो एक बड़ी कद काठी वाली रिष्ट पुष्ट आदमी थे, तो फिर ये अचानक औरत कहां से तशरीफ ली? संतोष जी बेचारे देख नहीं पाते। बिलाशक हो सकता है इन्हें जाति पहचानने में अभी धक्का ही लगा था, जाति पहचानने में भूल हो गई होगी इनसे। अरे जनाब केडी साहब, अब ये मत फरमाइएगा कि टकराने के बाद वो इतना भी नहीं पहचान सके कि वो आदमी था या औरत थी। आजकल तो कुरेशी साहब औरत और आदमी को छोड़िए ना ये बातें। चलिए एक काम करिए, आप आंखें बंद करके यूं खड़े रहिए सामने। छोड़िए, अभी क्या शगुफा है ये? विश्वास रखिए मुझे, आप आंखें बंद करिए। चलिए लगा धक्का। हाँ, कौन था बताइए? अम्मा केडी साहब, ये पुराने तरीके हैं आपके, मुझे मालूम है, आपका असिस्टेंट वरुण। नहीं नहीं, देखिए ये थी मोहतरमा जी। आप बैठिए, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कुरेशी साहब। योर ऑनर, अगर संतोष जी का कथन सत्य है तो ये हत्या किसी पुरुष ने नहीं महिला ने की। अब सोचने वाली बात यह है कि वो महिला कौन है जिसे रेणुका जी की मृत्यु से लाभ मिला।
सर्वप्रथम मैं लीसा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। लीसा जी बताइए, हत्या के समय आप कहाँ थे? ऑफिस में। सोच के बताइए। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं ऑफिस में थी। आप कह रही हैं कि आप ऑफिस में थी, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग कह रहे थे कि आप ऑफिस में थी ही नहीं, कहीं बाहर थी। आप कुछ काम हो सकता है, काम की वजह से कुछ देर के लिए बाहर निकल गई। लेकिन अगर मैं एक जगह मौजूद नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरी जगह मौजूद थी। वकालत करनी चाहिए आपको, ठीक कहा। ये बताइए कि जब जब रेणुका जी का नाम उठा है अदालत में, मैंने देखा कि आप बहुत क्रुद्ध हो गई, ऐसे उग्र हो गई, नाराज हो गई। क्या किसी बात का बैर था आपके मन में रेणुका जी के प्रति? ऑब्वियसली, देखिए ना सर की हालत देखिए, रेणुका की वजह से सर यहाँ अदालत में खड़े हैं। चिंता होती है आपको अपने सर की? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेणुका जी को हटाकर अपनी सर के जीवन में आप रेणुका जी की जगह लेना चाहती थी, पाना चाहती थी अपने लिए? ये क्या कह रहे हो केडी? लीजा और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी। बजाज, आपकी ओर से इनके प्रति न, इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि इनकी ओर से आपके प्रति नहीं। योर ऑनर, इनके कार्यालय में जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि 2 वर्षों से लीसा जी बजाज साहब के साथ कार्य कर रही हैं, और इस समय में क्षण भर के लिए भी ये इनसे अलग नहीं। मेरे काबिल सहायक वरुण ने रुपेश जी के ऑफिस में पूछताछ की और पता लगाया कि लीसा हर समय रुपेश जी के आसपास ही रहती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तो हद हो गई, सरासर इल्जाम है। ऑफिस में रहते हुए कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के आसपास नहीं होगी तो कहाँ होगी? नहीं योर ऑनर, केवल आरोप नहीं लगा, इस बात को सिद्ध भी कर सकता हूँ मैं। अब हमारे घरों में ही सेवक सेविकाएं हर 10-12 महीने में वेतन वृद्धि की मांग करती हैं। ऐसे में लीसा जी 2 वर्षों से रुपेश जी के यहाँ काम कर रही है, उसी वेतन पर, मांग भी नहीं की कोई। हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चॉइस या आपके हिसाब से विकल्प ना रहा। अचंभे की बात है, कुरेशी साहब के विकल्प था। कुछ ही समय पहले रुपेश जी के एक मित्र ने इन्हें दुगने वेतन पर अपनी कंपनी में रखने का प्रस्ताव दिया, किंतु ठुकरा दिया आपने, ठुकरा दिया था। सच है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्यों? वो क्या है ना, मुझे लगा था सर मेरे काम से प्रसन्न होकर मुझे प्रमोट करेंगे, और किसी दूसरे कंपनी में पैसों का लालच करने से अच्छा है उसी कंपनी में प्रमोशन पाए। बड़े उच्च विचार हैं आपके लिए सर जी, सुनकर प्रसन्नता हुई। चलिए ये बताइए कि वो जो छोटा सा स्थान था आपका, वो मेज जो रुपेश जी के कैबिन में ही रखा था जिस पर से आप अपना कार्य करती थी, वो छोड़ना राजी नहीं था, जबकि आपको अपना स्थान दिया गया था, आपको अपना कैबिन दिया गया था, किंतु फिर भी आप रुपेश जी के कैबिन में रहना चाहती थी, ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि मैं सर के पास रहना चाहती थी, मैं सर से प्यार करती हूँ। लीसा, ये क्या कह रही हो तुम? यही तो, योर ऑनर, यही तो मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था अदालत में कि लीसा जी रुपेश जी से प्रेम करती थी, हमेशा पूरा समय इनके साथ रहती थी, हर मीटिंग इनके साथ अटेंड करती थी, इनके सामान तक पहुंचना, जैसे कि घर की चाबियां, इनका सूट, इनका बंदूक इत्यादि इत्यादि, ये लीसा जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। साहब,
कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके कुछ पन्ने छूट भी रहे। क्या कीजिए, संतोष जब हुनी से टकराया था तो उसके हाथ एक चश्मा लगा था। और अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, लीजा चश्मा पहनती ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं जी, पहनती है चश्मा, आप ध्यान से देखिए। मैं ध्यान से क्या देखूं, आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, देखिए लीजा जी पहने हुई है लेंजेस। योर ऑनर, जिस प्रकार से और लोग भी बाहर जाते समय या कार्यालय जाते समय चश्मे उतार कर नंबर वाले लेंसेस पहनते हैं, लीजा भी उसी प्रकार से बाहर जाते समय या अदालत आते समय लेंसेस पहनती है, किंतु कभी कभी अपने चश्मे भी पहनती है। संभव है कि उस दिन लीजा जी ने अपने चश्मे पहने थे जो चश्मे संतोष जी के हाथ लगे। क्यों, चलिए आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप जरा मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। लीजा अगर रुपेश जी से प्यार करती थी या करती है और उनसे शादी करना चाहती थी, तो फिर वो रुपेश जी का कोट पहनकर उनको फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी? योर ऑनर, हर कत्ल का एक मकसद हुआ करता है। लीजा अगर दीवानावार रुपेश से मोहब्बत करके उससे शादी करना चाहती थी, और लीजा को अच्छी तरह से मालूम था कि रुपेश रेणुका के प्यार में गिरफ्त हो चुके हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर शादी से पहले ही लीजा ने रेणुका का कत्ल क्यों नहीं करवा दिया? जज साहब, कमलेश जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने औरत को नहीं देखा था, मैंने आदमी को ही देखा था। योर ऑनर, इनकी बात का कैसे विश्वास किया जाए जबकि अब तक इनकी कोई बात ठोस साबित नहीं हुई है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आदमी को ही बंगले के अंदर जाते हुए देखा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी साहब, अदालत में इस तरह इशारेबाजी से बात नहीं कर सकते। योर ऑनर, मैं केवल कमलेश जी से इतना पूछ रहा था कि जब ये बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो इतना विश्वास से कैसे कह रहे हैं? उत्तर में इन्होंने कहा कि मैंने उस आदमी को किसी को हाथ हिला के इशारा करते हुए देखा था, वो औरत नहीं थी, वो आदमी ही था। केडी साहब, कोशिश तो बहुत अच्छी थी आपकी, पर सॉरी, सुना आपने, वो मर्द ही था, औरत नहीं। योर ऑनर, कुरेशी साहब अगर मेरी भूल पकड़ने के स्थान पर सत्य को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो संभवतः सुनते जो मैंने सुना कमलेश जी के कथन, कमलेश जी ने कहा कि उन्होंने मर्द को देखा, एक पुरुष को देखा, और वो पुरुष किसी को इशारा कर रहा था। योर ऑनर, प्रश्न है कि क्या इशारा कर रहा था, इशारे के द्वारा क्या कहना चाह रहा था? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है योर ऑनर कि किसे इशारा कर रहा है? स्पष्ट बात है योर ऑनर कि हम जब किसी को इशारा करते हैं तो किसी दूसरे को ही इशारा करते हैं, स्वयं को नहीं। आपका मतलब है कि खूनी एक नहीं, दो हैं? बिल्कुल उचित बात कही आपने योर ऑनर। हत्यारे दो हैं, एक पुरुष एक महिला। योर ऑनर, कमाल की बात है, इतनी भरी दोपहर में किसी को एक औरत दिखाई नहीं दी। वो इसलिए कुरेशी साहब क्योंकि पुरुष और महिला दोनों अलग अलग समय पर वहां पहुंचे थे। पहले महिला अंदर जा चुकी थी और जब पुरुष अंदर जा रहे थे उस समय कमलेश जी ने उन्हें देखा। उसी प्रकार से
संतोष जी से एक पुरुष टकराया था, किंतु घटनास्थल पर लेडीज परफ्यूम की सुगंध थी। वैसे पाठक, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो यह कहना कठिन है योर ऑनर, पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत ही चतुरता से खेला गया खेल है। दो गवाहों को जिस प्रकार से गुमराह किया गया है, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है योर ऑनर। और इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैं रुपेश जी के भतीजे अभय और उनकी पत्नी नम्रता से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। केड़ी, तुम क्या कह रहे हो? रुपेश जी, ये दोनों इसमें शामिल नहीं हो सकते, इन पर मुझे पूरा भरोसा है। रुपेश जी, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। धन्यवाद। अभय जी, रुपेश जी के व्यवसाय में आप उनका हाथ बटाते हैं, बताइए क्या क्या उत्तरदायित्व किया है रुपेश जी? मैं बस उतना ही करता हूँ जितना अंकल कहते हैं, बस कोई खास जिम्मेदारी नहीं। क्या मेरा ऐसा कहना मेरी भूल होगी कि अपनी संतान न होने के कारण ये आपको अपना बेटा मानते हैं? नहीं, ये सच है योर ऑनर। अभय जी से रुपेश जी प्रेम करते हैं, इन्हें अपना सुपुत्र मानते हैं। लोगों को लगा था कि रुपेश जी के बाद व्यवसाय, केवल व्यवसाय ही नहीं, व्यवसाय के साथ पूरी धन संपत्ति सब रुपेश जी के नाम हो जाएगी। रुपेश जी को भी ऐसा ही लगा था, किंतु रेणुका जी विवाह विच्छेद के साथ साथ धन संपत्ति का आधा हिस्सा मांगा था। तो संभव है योर ऑनर कि रुपेश जी को लगा हो कि जिस धन संपत्ति के ये अधिकारी हैं, उसी से इन्हें वंचित किया जा रहा है। संभवतः इसी कारण अभय जी आपने रेणुका जी को रास्ते से हटाने की, उनकी हत्या करने की योजना। योर ऑनर, मैं रुपेश जी को वर्षों से जानता हूँ। एक समय जब हम दोनों की भेंट हुई थी, तब रुपेश जी ने मुझसे कहा था कि पता नहीं आजकल मेरा भतीजा अभय किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। रुपेश, मुझे तो लड़का समझदारी लगता है। तू ही कह रहा था कि वो अपनी पत्नी नम्रता के साथ मिलकर तेरा व्यवसाय अच्छी तरह से संभाल रहे। हाँ वो तो है, पर कभी कभी अपना नया अलग बिजनेस शुरू करने की बातें करते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की, तो कभी किसी फिल्मों में। पता नहीं कौन ये सब बातें उनके दिमाग में डालता रहता है। हाँ रुपेश, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, मुझे नहीं लगता तुझे इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। इस उम्र में मन विचलित होता है, लोग दोस्तों की बातों में भी आ जाते हैं, समय प्रतीक्षा करके देख ले। अभय जी, क्या मेरा ऐसा कहना मेरी भूल होगी कि रुपेश जी तो आपको अपना सुपुत्र मानते थे, किंतु आपकी नजर केवल इनके जायदाद पर थी। आपने सोचा कि रेणुका जी को मारकर, उनकी हत्या करके, उस आरोप में रुपेश जी को फंसा दिया जाए तो पूरी जायदाद आपकी हो जाएगी, और ऐसा आपने किया। चाचा जी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? नहीं, क्यों ना लगे, क्यों ना लगे ऐसा? अब बताइए, जब उस होटल आप मिलने गए थे अपने चाचा जी से, अचानक एक डेढ़ घंटे के लिए अपनी पत्नी समेत आप कहाँ गए? बोलिए बोलिए, कहाँ गए? प्राय अपराधी के पास उत्तर नहीं है। योर ऑनर, मैं पुनः अदालत को स्मरण करा दूं कि सीव्यू होटल से रुपेश जी का बंगला 5 मिनट की दूरी पर ही है। रुपेश जी, आप अदालत को बताइए कि उस दिन क्या बातचीत हुई थी अभय जी के साथ आपकी, क्यों मिलने आए थे आपसे? पता नहीं, उस दिन मुझे अभय का फोन आया, उसने मुझे जल्दी से होटल सीव्यू में आने के लिए कहा। वहां पहुंचा तो उसने कहा कि एक स्वीट बुक किया है, कोई सेलिब्रेशन की अधूरी सी बात कर रहे थे कि अचानक से फोन आ गया और वो चले गए। समझा नहीं मैं, किस बात का ये जलसा था, सेलिब्रेशन क्या था, किसी का जन्मदिन था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, अभय और नम्रता अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, किसी भी बात को लेकर पार्टी कर लेते हैं, तो इतना नहीं सोचा मैंने। अरे भाई, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ये अचानक से मुझे यहाँ होटल क्यों बुला लिया? चाचा जी, आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है। क्यों भे, बता दे। तुम रुको, चाचा जी एक खुशखबरी है, बस वही आपके साथ बांटना चाहते हैं। अरे क्या है, बताओ भी। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? आप ऐसा कीजिए, आप एक कप कॉफी पीजिए, हम जरा जल्दी से बाहर होके आते हैं। बाहर?
अरे भाई मुझे भी जल्दी कहीं जाना है। चाचा जी आपको मेरी के समय आप कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यूं गए और यूं आए, बस आप हमारे लौटने तक का इंतजार कीजिए। अरे भाई नमो, मुझे रेणुका से मिलना है, एक्चुअली मटके बंगले तक जाना है। चाचा जी मैं कुछ नहीं जानती, हम उन्हें यहीं बुला लेंगे, बस आप हमारे लौटने तक यहीं इंतजार कीजिए, हम लोग यूं गए और यूं आए। चलो अबे चलो। ओके चाचा जी बाय। ओके चाचा जी। विचित्र बात है कि आपने और आपकी पत्नी नम्रता ने रुपेश जी को अपने बंगले पर जाने से रोका, अपनी पत्नी रेणुका जी से भेंट करने से रोका, और फिर आप अपनी पत्नी समेत गायब हो गए। ऐसे में इनके बंगले की चाबियां और इनका सूट प्राप्त करना आपके लिए कोई कठिन बात तो रही नहीं है? नहीं केडी सर, ये सब गलत है, हमने चाची को नहीं मारा, बल्कि हम तो। नम्रता बैठ जाओ। अबे मुझे बोलने दो, ये सब गलत है, तुम अदालत को पता क्यों नहीं देते? तुम्हें तो मैंने पहले ही बोला था कि पहले दिन अदालत को सब सच बता दो। मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम बोलते क्यों नहीं? मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको सब सच बता के रहूंगी। हम लोगों ने एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी चाची के घर वापस लौटने की खुशी में। चाची रुपेश चाचा से कोई जायदाद लेने के लिए नहीं मिलना चाहती थी, बल्कि वो तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म करके घर वापस आना चाहती थी। नम्रता ये तुम क्या कह रही हो? अबे क्या ये सच है, रेणु वापस आना चाहती थी? जी चाचा जी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए तो हमने स्वीट बुक कराया था, रेणु चाची ने नम्रता को फोन करके बताया था कि वो वापस लौटना चाहती है। जैसा मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जैसा पिछले एक साल में मैं और रेणु का चाची बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी, कुछ नहीं छुपाती थी मुझसे, और फिर आप दोनों के डिवोर्स की बात चली और वो बात अदालत तक पहुँच गई। चाची जी इसे बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे खुद फोन करके बोला कि वो सबसे खुश नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नम्रता, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने रुपेश के साथ ठीक नहीं किया, मैं ये डिवोर्स केस वापस लेना चाहती हूँ। मतलब तुम्हें डिवोर्स केस वापस लेना चाहती हो, चाचा जी के पास वापस आना चाहती हो? ओ माय गॉड रेणुका, इट्स सच अ गुड न्यूज। तुम्हें नहीं पता चाचा जी तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो ये सब जान के कितना खुश होंगे। जानती हूँ, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें मिलकर सब कुछ बता देना चाहती हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो मैं उन्हें फोन करूँ? नहीं नहीं तुम मत फोन करो, मैं करूंगी और सामने से सारी बातें कह दूंगी। अच्छा ठीक है, as you wish। हम बहुत खुश थे, आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए आपको कॉल करके होटल बुलाया और रुकने को कहा। हम बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहते थे और सोचा था कि रेणु चाची को भी वहीं बुला लेंगे। हेलो, अरे भैया केक कब लेके आएंगे आप? अच्छा सुनो, उसमें 50 रेड रोज के बुके और ऐड कर लेना। ओके। हेलो मिस्टर कपूर, चाचा जी और रेणु चाची ने आपस के डिफरेंसेस सुलझा लिए, तो हमने आज शाम को एक पार्टी रखी है, आप प्लीज आइएगा भाभी जी को लेके, वो भी जल्दी। और फिर ये सब हो गया। आप पहले से इतना दुखी थे और हम ये सब बता के आपको और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम चुप रहे। तो भतीजा बेटा ही निकला गेटी साहब, ना पैसों की लालच ना जायदाद का मोह, अब क्या कहेंगे हुजूर? बताइए मिस्टर पाठक, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? इस समय कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ योर ऑनर, किंतु हाँ जितने साक्ष्य हैं उनके एक बार फिर जांच करने का समय चाहता हूँ। ठीक है केडी, अदालत की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे के बाद वापस शुरू की जाएगी। समझ में नहीं आ रहा, पर जितना इस केस को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उलझता जा रहा है। सर अगर नम्रता और अभय निर्दोष है तो शायद ये काम किसी बिजनेस साहब ने किया। नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ये जो भी है रुपेश जी अभय
और नम्रता के आसपास का ही कोई व्यक्ति है, उनके निकट का व्यक्ति। नहीं तो सोच, उनकी चाबियां, उनके कोट, उनके बंदूक तक कैसे पहुंच सकता है वो व्यक्ति। मगर नम्रता और अभय के अलावा और कौन है आसपास उनके? दो व्यक्ति हैं मेरे अनुसार, एक पुरुष एक महिला। फिर रेणुका जी ने जो नम्रता से कहा था कि मुझे न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा, इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? योर ऑनर, इस मुकदमे में मिस्टर रुपेश बजाज मुख्य आरोपी केवल इस कारण बने क्योंकि इनके पास रेणुका जी की हत्या करने का उद्देश्य था, जो ये था कि ये अपनी पत्नी रेणुका जी के साथ अपना विवाह विच्छेद करना चाहते थे। किंतु अदालत में इनके भतीजे आनंद और उनकी पत्नी नम्रता जी ने जो कथन दिया, उसके अनुसार प्रमाणित होता है कि रेणुका जी इनके पास लौटना चाहती थी, इनके साथ अपने संबंध सुधारना चाहती थी। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं केडी साहब आप? कुरेशी साहब, अगर रुपेश जी बंगले पर गए होते तो वहां संबंध सुधारने की बात होती, धन संपत्ति का बंटवारा करने की बात न होती तो झगड़ा नहीं होता। इससे ये प्रमाणित होता है कि इनके पास रेणुका जी की हत्या करने का कोई उद्देश्य था ही नहीं। योर ऑनर, इन बातों से कुछ कुछ ऐसा प्रमाणित होता है कि बजाज साहब ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। अगर ये अपनी पत्नी के हत्यारे नहीं है तो असल हत्यारा कौन है? आनंद और नम्रता के अतिरिक्त कौन है योर ऑनर जो जानता था कि रेणुका जी रुपेश जी के पास लौट आना चाहती है, इनके साथ अपने संबंध सुधारना चाहती है? कौन है योर ऑनर जिसको रेणुका जी के लौट आने से नुकसान होता? हो सकता है रेणुका जी का कोई पुराना आशिक जो ये नहीं चाहता था कि रेणुका जी वापस रुपेश जी के पास जाएं। कृपया बताइए कुरेशी साहब कि वो महिला जो उस दिन बंगले पर उपस्थित थी, जिसे रेणुका जी ने बोला था तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो कौन थी? योर ऑनर, स्पष्ट है कि रेणुका जी उस महिला को जानती थी। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि ये केस उतना साधारण है जितना कि हम समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही विशाल षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। मिस्टर पाठक, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष समाचार के कटे हुए कुछ टुकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि हमारे देश में कुछ ऐसे गिरोह हैं जो महिलाओं का विवाह कुछ ऐसे अमीर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को फंसाने के लिए करते हैं, ताकि विवाह विच्छेद कर देने के बाद उनकी जायदाद का हिस्सा, उनकी संपत्ति का हिस्सा प्राप्त कर सके। आपके कहने का मतलब है केडी साहब कि रेणुका ने रुपेश जी को पैसों के लिए फंसाया था? अब ये बात तो रुपेश जी स्वयं ही बता चुके हैं अदालत में कुरेशी साहब। योर ऑनर, रेणुका जी ने रुपेश जी के साथ ये खेल तो खेला, किंतु इस खेल में वो अकेली नहीं थी। संभवतः किसी ऐसे गिरोह का मोहरा बनी थी रेणुका जी, किंतु चलते चलते उन्हें रुपेश जी से वास्तव में प्रेम हो गया और उन्होंने रुपेश जी को धोखा देने से मना कर दिया। गिरोह के अन्य लोग योर ऑनर ये समझ चुके थे कि अगर रेणुका जी रुपेश जी के पास लौटी तो उनका बड़ा नुकसान हो, और संभवतः यही बात रेणुका जी की मृत्यु का कारण बनी। मिस्टर पाठक, ये बहुत ही पेचीदा केस है, इनका पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लोग हैं कौन। योर ऑनर, प्रश्न का उत्तर तो रेणुका जी के अतीत के पन्नों में ही मिलेगा। मैं लीसा जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। नहीं, बस बस वहीं तक ठीक, ऊपर जाने की जरूरत। योर ऑनर,
लीसा जी तो यहाँ आ चुकी है, इस केस से जुड़े तो अन्य लोगों को भी मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ, अभय जी और नम्रता जी। केडी साहब, अब ये क्या नया नाटक है? देखते जाइए आगे आगे, सत्य का खेला। मिस्टर अभय और मिस नम्रता, आप दोनों सामने आ जाइए। योर ऑनर, इस मुकदमे में संतोष जी और कमलेश जी ने अपना अपना कथन दिया, किंतु एक तीसरा चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तीसरा गवाह? जी, तीसरा गवाह। वो कौन है? योर ऑनर, संतोष जी का कुत्ता, मैं उसे अदालत में बुलवाने की अनुमति चाहता हूं। मिस्टर पाठक, कुत्ता गवाही देगा? योर ऑनर, ये कोई आम घरेलू कुत्ता नहीं है, एक ऐसा कुत्ता है जिसे एक अंधे आदमी की हर रीत से ध्यान रखने का अभ्यास दिया गया है। योर ऑनर, वो देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है और अपनी रीत से बोल भी सकता है। कृपया मुझे उसे अदालत में बुलवाने की अनुमति दें। ठीक है, ले आइए। ले जाइए, आप दोनों बैठ। आप गड़करे में। योर ऑनर, मनुष्य कभी कभी मनुष्य को पहचानने में भूल कर बैठता है, किंतु एक जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। लीसा जी जब प्रथम बार अदालत में अपना कथन देने आई थी, उस समय भी ये कुत्ता इन्हें देखकर भौंक रहा। हमने उसे शोर समझकर टाल दिया, हम उसके भौंकने को समझ नहीं पाए। और वो संकेत दे रहा था। लीसा जी, क्यों क्यों लीसा जी? तो लीसा जी, कुल मिला के अब तक की कहानी कुछ ऐसी है कि वो जो आपने अदालत में पिछली सुनवाई में कथन दिया था कि आपको प्रेम हो गया था रुपेश जी से, वो कहानी झूठी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपने जानबूझ योजना करके रुपेश जी के पास वो नौकरी ली इनके सेक्रेटरी की, और फिर इनका विश्वास जीतने के बाद में आपने रेणुका जी को इनसे मिलाया। और आपकी और रेणुका जी के साथ रहने की और उनके आपकी सहेली होने की, वो भी सारी कहानी झूठी है। वास्तविकता तो ये है कि रेणुका जी इस खेल में केवल एक मोहरा थी, छोटी सी, जिसका उपयोग आपने किया इनका धन पाने का। और जब आपको पता चला कि ये खेल खेलते खेलते रेणुका जी वास्तव में प्रेम करने लगी है रुपेश जी से, और वो इन्हें सारी बात बताने वाली है, इन्हें धोखा देने से उन्होंने इनकार किया, तब भय के कारण और नुकसान झेलने के कारण आपने रेणुका जी की हत्या कर।
योर ऑनर, मैं पिछली सुनवाई में अपने दलील में कह चुका हूँ कि लीजा जी क्षण भर भी रुपेश जी का साथ नहीं छोड़ती थी। उनके कैबिन में ही इनकी मेज थी। ऐसे में इनके सामान तक पहुंचना, बंगले की चाबी, इनका कोट, इनकी बंदूक इत्यादि, ये लीजा जी के लिए कठिन नहीं था। एक मिनट टेडी साहब, आपने कहा कि इस खेल में एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ी थे। आपके कहने का मतलब है कि अगर लीजा ने रेणुका जी को मारा तो फिर वो दूसरा कौन था, वो आदमी कौन था जिसे कमलेश ने देखा? प्लीज। अरे पिछली सुनवाई में इस बात का संकेत भी संतोष जी का कुत्ता दे चुका है, स्मरण नहीं है आपको? योर ऑनर, मैं रुपेश जी के ऑफिस बॉय मयूर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तो मयूर जी ये बताइए कि आप और ईसा इस कंपनी में एक ही समय पर आए थे, नौकरी एक ही साथ मिली थी उसी समय पर। तो ये तो कंपनी की जो रोस्टर है वो कहता है। और आप दोनों के फोन की सूची, देखिए झूठ मत बोलिएगा, जज साहब की मेज पर रिपोर्ट रखी हुई है। आप दोनों के दूरभाष यंत्र की सूची ये कहती है कि आप और लीजा बहुत बातचीत किया करते थे। योर ऑनर, वास्तव में इनका नाम मयूर नहीं है, एंथनी डिसूजा है। और ये एक MBA है। अभी तो मैं सोचूं कि एक MBA जिसे व्यवसाय का इतना ज्ञान है वो एक कंपनी में प्यून की नौकरी क्यों करेगा। दरअसल ये इनका खेला था, यार पहले भी कई कंपनीज में ये ऐसा कर चुके हैं। इस बार रुपेश जी के साथ इन्होंने किया। जब इन्हें पता चला कि रेणुका जी जो ये चाहते थे वैसा नहीं करने वाले, तब क्रोध में बदला लेने का इन्होंने रेणुका जी की हत्या कर दी। मटके बंगले पर आ जाओ 3:30 बजे। कोट पहन कर गए थे किंतु चश्मा बदलना भूल गए, वो चश्मा जो संतोष जी के हाथ लगा था। अगलीसा जी, सोच समझ कर योजना बनाकर आप दोनों ने यह हत्या की है। मुझे नहीं लगता कि आपके आंखों में ये आंसू देखकर न्यायाधीश महोदय प्रभावित होंगे और आपका दंड कम करेंगे। चलिए अगर आप ये कहानी कबूल कर लें तो हो सकता है कि वो ऐसा करें। अदालत को ये बताइए कि आपने हत्या की तो की, किंतु इसके आरोप में रुपेश जी को क्यों फंसाया? रेणुका के जाने के बाद हमें पता था कि जायदाद हमें नहीं मिलेगा। कानून की कार्रवाई से बचना चाहते थे इसलिए हमने सर को फंसाया। हमें पूरा यकीन था कि सर फंस जाएंगे और हम यहां से गए तो। डिफेंस प्रेस। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एक हत्या और धोखेबाजी का इतना बड़ा खेल रचने के लिए लीजा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और एंथनी डिसूजा उर्फ मयूर को 10 साल कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर रुपेश बजाज को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। ऋषि साहब, एक और हीरा आपके मुकुट में। विवाह हो गया आपका? कोशिश कर रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि विवाह करने से पहले निश्चित कर लीजिएगा।
आपकी होने वाली पत्नी आपसे प्रेम करती है या आपके दौलत से? क्यों भाई, है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.